औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामिनो कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में बाल देखने बाल काटने की क्या ताबीर हो सकती है। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में बाल देखने की बाल काटने की 42 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की ताबीर अलग अलग है। अगर आप इन सूरतों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी दाढ़ी के मूछों के और सर के बाल सफ़ेद देखता है, इसकी ताबीर यह है, इस शख्स को इज्जत और वक़ार हासिल होगा, बुलंद मर्तबा पाएगा और इल्म और बुजुर्गी भी पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने सीने पर बाल देखता है, इसकी ताबीर यह है, साहबे ख्वाब मकरूज होगा। ख्वाब में बाल कटवाना या सर के बाल कटे हुए देखना, इसकी ताबीर में उलमा इकराम फरमाते हैं, ये रंजो गम और तकलीफ से निजात पाने और कोई खुशी मिलने, अगर कोई बीमार है तो बीमारी से सेहत याब होने की अलामत है। ख्वाब में हज या उम्रे के मौके पर बालों को कटवाना नेकी और गुनाहों के कफारे की दलील है। अगर ख्वाब में औरत देखे कि उसका खामद उसके सर के बाल काट रहा है या मूंड रहा है, तो दलील है उसका शौहर उसको घर में कैद रखेगा या घर से बाहर निकाल देगा या उसको तलाक दे देगा, ये अलामत अच्छी नहीं है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। ख्वाब में कटे हुए बाल गिरे हुए देखना, अगर कोई शख्स ख्वाब में कटे हुए बाल गिरे हुए देखता है, अगर ख्वाब में देखे तो इसने थोड़े बाल काट कर गिराए हैं, तो दलील है गम और दुख इससे दूर होंगे, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में बाल गिरना मालदार होने कर्ज से निजात पाने बीमारी से शफा पाने की अलामत है। अगर कोई शख्स अपने पेट के बाल साफ करता है, इसकी ताबीर यह है, साहब ख्वाब अगर कर्जदार है तो कर्ज की अदायगी करेगा, इस शख्स के हालात अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई शख्स अपने जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल देखता है, ये ख्वाब गम दुख परेशानी की दलील है, परेशानी में मुब्तला होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को भी सतर्क करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपने नाक पर बाल देखता है, तो ये ख्वाब गम दुख परेशानी और अंदेशे की निशानी है, दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा सब ख्वाब को। अगर कोई शख्स अपनी हथेली पर बाल देखता है, ये शख्स मकरूज होगा, फिक्र में मुब्तला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने सर को गंजा देखता है, सब ख्वाब मालो दौलत जमा करेगा, अक्लमंद दाना होगा, इज्जत पाएगा। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है उसके सर के बाल खुले हैं, बालों को खुला हुआ देखती है ख्वाब में, इसकी ताबीर यह है, इसका शौहर इसे कहीं दूर चला जाएगा। और अगर कोई औरत ख्वाब में अपने बालों को हमेशा खुला देखती है, जब भी वो ख्वाब देखती है तो अपने बालों को सर को नंगा देखती है और हमेशा बाल खुले हुए देखती है सर के, इसकी ताबीर यह है, इसका शोहर कहीं दूर जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। और अगर कोई गैर शादीशुदा ख्वाब में औरत अपने बाल खुले देखती है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसका कोई जहाँ भी इसका कोई रिश्ता होगा, इसकी शादी नहीं होगी। इसका मैंने यह है कि इसका कहीं रिश्ता नहीं होगा, इसकी कहीं शादी नहीं होगी, इस चीज़ की लापता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने जेरे नाफ बाल ज़्यादा देखता है, इसकी ताबीर यह है, इस शख्स को नुकसान पहुंचेगा। और ये ख्वाब कोई अगर औरत देखती है तो इस औरत के लिए ये ख्वाब अच्छा नहीं है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जेरे नाफ बाल काटता है, तो ये ख्वाब दीन में कमी और गम की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने सर के बालों को
उखड़ता हुआ उखाड़ता हुआ देखता है, सब ख्वाब अपना माल जाया करेगा, परेशान होगा और रोजगार की फिक्र में सरगर्दा होगा। इस चीज की अलामत है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके सर के बाल काट रही है, उसकी ताबीर यह है, इसका शौहर इसको तलाक दे देगा या घर से बाहर निकाल देगा। कि उसके अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके सर के बाल काट रही है तो इसकी ताबीर यह है। अगर कोई औरत अपने सर के बाल खुले हुए देखती है, इसकी ताबीर यह है, अगर कुंवारी है तो इसकी शादी होगी, अगर सफर में है तो सफर से वापस आ जाएगी। और अगर अपने सर के बाल लंबे देखती है कोई औरत तो इसकी ताबीर यह है, इसकी जीनत और हुसन में इजाफा होगा। और अगर यह ख्वाब मर्द देखे तो उसकी आरजू पूरी होगी और उसकी उम्र लंबी होगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कुछ ख्वाब में अपने बालों पर कंघा करता है, इसकी ताबीर यह है, सब ख्वाब को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, फ़ायदा पाएगा और अपने कामों में वो शख्स मगन रहेगा। अगर कुछ ख्वाब में अपने बालों को घुंघरियाला देखता है, घुंघरे अपने सर के बाल देखता है, तो ये ख्वाब आलम के लिए रसवाई का बाइस है। अगर कोई आलम देखे तो वो रसवाई और जलील ख्वार होगा, और अगर कोई जाहल देखे तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, इज्जत पाएगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कुछ शख्स ख्वाब में अपने बालों को मुंडा हुआ देखता है तो ये ख्वाब असला और गुनाहों पर दलील है। ये ख्वाब अगर औरत देखे तो इस औरत का शोहर, भाई, बाप या कोई और सरपरस्त वो फोत हो जाएगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई गैर शादीशुदा औरत ख्वाब में अपने बाल खुले देखती है तो इसकी ताबीर और भी है कि अगर कोई औरत ख्वाब में अपने बाल खुले हुए देखती है तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसकी शादी नहीं होगी। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके बाल बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोग इसको बड़े ज़ोक व शौक से देख रहे हैं, इसकी ताबीर यह है, ख्वाब देखने वाली औरत जलील और रुस्वा होगी। अगर कोई मर्द ख्वाब में देखे कि उसके पिछले हिस्से के बाल उतर गए हैं, गिर गए हैं या झड़ गए हैं, साबे ख्वाब बुढ़ापे में जिल्लत और रुस्वाई उठाएगा। इस चीज़ की अलामत है, परेशानी उठाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसके बगलों के बाल बड़े हुए हैं, बगलों के बाल बड़े हुए हैं, हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, साबे ख्वाब दीन के अंदर मजबूत है, अगर साबे ख्वाब का कोई मकसद है तो ज़रूर पूरा होगा, ये शख्स मुस्तकिल मिजाज है। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और बालों के अंदर जुएं पड़ गई हैं, इसकी ताबीर यह है, इसकी बीवी और बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इसकी नस्ल कसीर बढ़ेगी। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मसनूई बाल लगा कर अपने सर पर मसनूई बाल लगाता है और लंबे बाल लगाता है, बालों को लंबा करता है मसनूई बाल लगा कर, बल्कि इसके बाल छोटे हैं और वो मसनूई बाल लगा कर बालों को लंबा करता है, ख्वाब में देखता है कि उसके बाल लंबे हैं, इसकी ताबीर यह है, ये शख्स कर्ज उठाकर कारोबार में इजाफा करेगा, मालदार है तो इसका माल बढ़ेगा लेकिन तंग दस्त है तो मकरूज होगा। इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके दाएं, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसकी दाएं जानब के बाल झड़ गए हैं, गिर गए हैं, इसकी ताबीर यह है, इस शख्स को अपने ख़ानदान के मर्दों की तरफ से तकलीफ़ पहुँचेगी। और अगर किसी के बाईं जानब के बाल ख्वाब में देखता है तो इसके बाईं जानब के बाल जड़ गए हैं, गिर गए हैं, इसकी ताबीर यह है, इसको ख़ानदान की औरतों की तरफ से तकलीफ़ पहुँचेगी। अगर कोई औरत ख्वाब में अपने बालों को स्याह देखती है, इसकी ताबीर यह है, इसका शौहर इससे मोहब्बत करेगा। इस चीज़ की अलामत है।
अगर कोई औरत ख्वाब में अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि इसके पिछले हिस्से के बाल कोई काट रहा है, पीछे से इसके बाल कोई काट रहा है, इसकी ताबीर जो है, इस ख्वाब देखने वाली औरत के शौहर ने किसी गैर औरत से ताल्लुक बना रखा है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके बाजुओं से बाल झड़ रहे हैं, बाजुओं से बाल उतर रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, इसकी ताबीर जो है, इस शख्स की आमदन ज़ाया होगी, इसका रुपया पैसा ज़ाया होगा। अगर कोई औरत ख्वाब में अपने सर के बाल धोती है या धोते हुए देखती है, धो रही है, इसकी ताबीर जो है, इस औरत ये औरत पर्दे वाली है, पर्दा करने वाली है, इसका पर्दे का अहतमाम करेगी, नेक औरत है, पर्दे का अहतमाम करेगी, इस चीज़ की अलामत है। मौजूद सामीन उकराम, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हमें नासिर हों। जज़ाकल्लाह।